गाइस आ चुके हैं डाइस डोइस। पहली बार कोई इंडिया में ऐसे दिख रहा होगा जो छोरे समोसे खा रहे हैं समोसा, मुझे तो पहली बार। गाइस अब हम करेंगे चाय, वो भी अपने लिए नहीं दुकान में, दुकान के लिए। अरे कैया भुसमुंडा बनाएगा। चलो गाइस चलते हैं, ये देखो इधर गोडाउन है। और अब ऊपर चलते हैं। अरे आई एम ऑफिशियली अ ब्लैक बेल्ट नाउ। ये The next morning. Good morning, guys. Good morning. दिल्ली आजकल लीडर चल रहे हैं। तो good morning हो, अरे चप्पल तो भूल गए। तो मॉर्निंग हो चुकी है और हम फिर से जा रहे हैं छत में। चल पहले चल चलते हैं छत पर, वापिस से टहलने, क्योंकि माँ ने बोला है वापिस से गोडाउन को पार करते हुए। अरे आले तो ये है छत, अगर हम थोड़ा जल्दी आ जाए थोड़ा और अच्छा व्यू होता है। मतलब धूप का कलर चेंज हो जाता है पता नहीं क्यों। और इसको कौन होता है? आई थिंक सो पापा ने पौधों में पानी डाल दी है ना। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं यार, वो बार घूम घूम कर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर नहीं करने वाले थे पर हमने किया। गाइस देख सकते हो संडे में हमें कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए टाइम पास ही करते हैं। टीडी ब्रदर्स माइनक्राफ्ट ही खेलते हैं बस, क्योंकि हम माइनक्राफ्ट को अलाइव रखना चाहते हैं। तुम जानते हो कि माइनक्राफ्ट वो सब छोड़ रहे हैं, इसलिए हमने एक प्लान लॉन्च किया है हैशटैग से माइनक्राफ्ट। वेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं नीचे। एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई और हम जा रहे हैं कुछ लेने। सो देख सकते हो यहाँ पे कुछ डार्क सा हो रखा है, तो उसके लिए मैं लेने जा रहा हूँ विटामिन ई की कैप्सूल, जिसको मैं दिखाऊँ कैसे अप्लाई करना है मेरे को। उसको लेके आता हूँ। हर छोटे छोटे चीज़ का हमें ब्लॉग बनाना है। सुनाई दे भी नहीं रहा होगा, पानी दे दे। बस तो अरे ज़्यादा में वो बहुत गीला हो जाता है, फिर बाद में निकालना पड़ता है। ये भैया व्लॉग में एक चीज़ दिखा देता हूँ। क्या ज़्यादा? अरे टूट गया, पिछले बार उठा लिया था ऐसे पूरा। अरे छोड़। ओके गाइस अब कुछ स्पेशल दिखाएंगे तुम लोग को, हम लोग डेली करते हैं पढ़ने के टाइम। इसके बाद एक खास हल को भी दिखाने वाले हैं गाइस आपको, एक खास हल्क। हल्क इंडिया, इसका नाम है डेथ राइडर हल्क।
ऑडियो डिन मार दिया है। रुकना मैं कर रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं करते भाई। ठीक है डाल। और इसके चेहरे में। हाँ बस। सो गाइस सॉरी सैनिटाइजर का वेस्टेज के लिए। भाई। सारे कीटाणु जल जाएंगे इसे हम ऐसे नहलाते हैं। हमारा पानी से भी नहला सकते हैं। कीटाणु मार देंगे फिर नहलाएंगे उसको। अभी भाई तभी कैसे पढ़ेंगे। हाँ फिर उसका ट्यूशन भी है एंड बाहर का व्यू देखा चल रहे रख दे। बाहर का व्यू देखा जाए तो कुछ ऐसा हो रखा है। हाँ हमने शाम बोला घोस्ट राइडर था ना। देन उसके बाद किया डिनर। डोई जी क्या हुआ तू जानता है आज कौन सा डे है। मंडे। तू जानते है अभी तक संडे वाले वीडियो में आउट्रो ही नहीं हुआ। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस एंड फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे अगर गलती से बना डाले तो। हाँ अगर बना तो अगर हम इस चैनल की याद आई तो और ये वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे कि गेमिंग वाले चैनल में भी और वीडियो डालें। वैसे तो व्लॉग संडे का था बट आउटरो मंडे में दिया जा रहा है। अपलोड सैटरडे को होगा आई थिंक सो क्योंकि सैटरडे को कहाँ सैटरडे के बाद ही होगा आई थिंक सो क्योंकि सैटरडे को हो जाएंगे मेरे एग्जाम स्टार्ट। सो सायोनारा गाइस आज है ट्यूजडे और वो वाली वीडियो अभी तो एड नहीं की है। क्या बोले इतना शिट पीपल जो हूँ मैं जिसने अभी तक ये एडिट ही नहीं की है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना अगर ये वीडियो अगले साल भी आए तो। क्योंकि ये मैं इसे बता दूँ कि ये वीडियो 2023 में रिकॉर्ड हो रही है जनवरी में और ये अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 24 है और इससे पहले जो आया था वो संडे कब था यार 11-12-1 और जो संडे था वो 22 की क्लिप है या संडे 22 को ही था आई थिंक सो। तो ऑफेंड मत होना। समझ रहे हो ना समझ रहे हो या got a cool shirt, he's got cool shoes, did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to be him. He walks into a room and everyone respects him. He reads the news and doesn't let that shit affect him. He's really happy, he's thrilled to be alive. His name is any white guy in 1985. White guy, 1985. He do it, balances work with his wife's underwhelming cooking. He's got all the answers that I wanna know. How can I be what I am? But 40 years ago, gee whiz, he got it and he falls. I am the thing he is, but he is it when I want. I guess it's true that some people really gotta fight to survive. And some people are white guys in 1985. White guy, 1985. It wasn't easy being any white guy in 1985. Some white guys were living through the AIDS crisis. Some white guys were Italian. And I'm not saying it's hard being a white guy now. I've misspoke. I don't mean to lump a group of people in a hive. I think I just met my dad in 1985. My dad.